मैं मोहम्मद सरफराज, मेरे YouTube चैनल इन लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। भारत भूगोल सीरीज में हमने आपको भारत का चांसी विस्तार, देशांतरी विस्तार, उसके बाद अगला वीडियो जो मैंने आपको बताया भारत का क्षेत्रफल, भारत में कर्क रेखा, भारत का मानक समय, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के राज्य, केंद्र शासित राज्य, भारत के कुछ प्रमुख द्वीप और उनसे संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आप लोगों में बहुत सारे लोग को तो मालूम ही होगा, लेकिन चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अगर देखिए तो पश्चिम में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसके उत्तर में अफगानिस्तान है, भारत के सिर्फ उत्तर में चीन है। अगर भारत के पूर्व में देखिए तो यहाँ पे म्यांमार है, जगह कम थी इसलिए हमने इसमें नागालैंड और मणिपुर भी लिख दिया है, लेकिन ये जो चित्र है ये म्यांमार का है। ठीक, हम असम के उत्तर में और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में देखेंगे तो एक छोटा सा देश भूटान है, भूटान के ठीक पश्चिम और सिक्किम के पश्चिम में नेपाल देश है। यह भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हो गए। अगर हम भारत में जलीय पड़ोसी देश को देखें, सबसे नीचे श्रीलंका हो गया, यहाँ जगह कम है इसलिए छोटा चित्र है। ठीक लक्षद्वीप के नीचे एक देश है मालदीव। अब हम इन सभी देशों से भारत से स्पर्श करने वाली सीमाओं के नाम, कुल कितनी लंबाई है भारत से स्पर्श करने वाली सीमाओं की, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी क्या है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू है। एक प्रश्न यह बनता है कि भूटान के राजा को क्या कहते हैं, तो भूटान के राजा को ड्यूक ग्याल्पो या सरफराज या ड्यूक ग्याल्पो बोलते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भूटान के राजा को क्या कहते हैं, तो भूटान के राजा को ड्यूक ग्याल्पो या सरफराज कहा जाता है। इसके आगे चलेंगे म्यांमार, तो म्यांमार की राजधानी हम जानते हैं रंगून है, लेकिन ये गलत है, बर्मा, ये भी गलत है। प्रेजेंट टाइम में म्यांमार की राजधानी नायपी थाओ है, म्यांमार की राजधानी क्या है, नायपी थाओ। पश्चिम बंगाल के पूर्व में और त्रिपुरा के पश्चिम में एक देश है बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इसे पाकिस्तान से आजाद कर एक स्वतंत्र देश बनाया गया। जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी ढाका है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका है जिसकी राजधानी कोलंबो है। वर्तमान समय में श्री महिला जयवर्धनेपुरा भी श्रीलंका की राजधानी मानी जाती है। ठीक नीचे मालदीव है, मालदीव की राजधानी माले है। ये भारत के पड़ोसी देश हो गए व उनकी राजधानियां हो गई। चलिए हम देखते हैं कौन से देश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है और किस देश की सीमा सबसे कम लगती है। भारत की जितने भी पड़ोसी देश हैं मैं क्रम से यहाँ पे उनका नाम लिखूंगा, कितने किलोमीटर की लंबाई में सीमा बनाते हैं, जगह कम है इसलिए मैं एक एक लिखूंगा। आप अपने कॉपी में सभी को क्रम से लिखिएगा, आप अपने नोट्स में सबको क्रम से लिखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे लंबी सीमा भारत का या पड़ोसी देश का क्या है, किससे लगती है। तो सबसे लंबी सीमा भारत का जो है वह है एक नंबर पे बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। यदि इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 4,097.4 समथिंग इतना किलोमीटर है। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, इसकी कुल लंबाई 4,097 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पे आता है चीन। चीन भारत के उत्तर में स्थित है, यह भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितनी? 3488 किलोमीटर की, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे चीन है ना कि पाकिस्तान, पहले पे बांग्लादेश है जो 4,097। अगर आप दशमलव में भी लिखना चाहते हैं तो 97 के आगे आप 0.7 लिख सकते हैं। यह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है, दूसरे नंबर पे चीन है। अगर तीसरे स्थान की बात करें तो चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत के साथ लगभग 3,323 किलोमीटर की सीमा बनाती है। तीसरे स्थान पे स्थान आता है पाकिस्तान का,
जो भारत के साथ 3523 किलोमीटर का सीमा बनाता है। चौथे नंबर पे देश है नेपाल। नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो यह भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है। पांचवें नंबर पे जो देश है वह है म्यांमार, जो भारत के साथ 1683 किलोमीटर की सीमा बनाती है। म्यांमार जिसकी राजधानी नाय पी थाव है, वह भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यहाँ पे जगह कम हो गया है, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर मैं बहुत तेज बोल रहा हूं तो पुश करके नोट इसको कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, 1 2 3 4 पांच देश हो गए हैं, अब हम आगे देखते हैं। छठे नंबर पे देश है वो है भूटान, जो भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, 699 किलोमीटर की सीमा भारत साथ बनाती है, जिसकी राजधानी थिम्पू है। यहाँ के राजा को डिग ग्यालपो या सरपराज कहा जाता है। सातवें नंबर पे जो देश है वह है अफगानिस्तान, जो भारत के साथ 107 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जो भारत के साथ 106 किलोमीटर है, जो भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है। सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है, जो भारत के साथ 4097.7 किलोमीटर की सीमा बनाती है, या सबसे कम अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है। वर्तमान समय में भारत के कुछ क्षेत्र पे पाकिस्तान का आधिपत्य है, जिसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह 106 किलोमीटर की सीमा है वर्तमान समय में। जिस दिन उस क्षेत्र पे भारत का पत्त हो जाएगा, भारत का अधिकार हो जाएगा, तो यह 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ बनेगी। चलिए हम देखते हैं कि कुछ सीमा का कुछ नाम रख दिया गया है, कुछ देशों की जो सीमाएं हैं भारत के पड़ोसी देश, उसके कुछ नाम रख दिए गए हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम अफगानिस्तान ही देख लेते हैं। अफगानिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है उसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत के कुछ क्षेत्र पे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का अधिकार है, उसने जबरदस्ती यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, इसलिए वर्तमान समय में डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। यह डुरंड रेखा वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। आगे हम देखते हैं कि और कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान, भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, भारत और पाकिस्तान की सीमा को हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो प्रश्न यह बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। यह 1947 में रेखा खींची गई थी पाकिस्तान और भारत के बीच। चलिए एक हम और देख लेते हैं, भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है। भारत और चीन के बीच एक सीमा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। सन 1916 के समथिंग शिमला समझौता में सामने आया था, जो उस समय ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच था, लेकिन बाद में यह रेखा, क्योंकि तिब्बत पे चीन का अधिकार हो गया, उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तो वर्तमान समय में जो मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, आप लिख लीजिए, चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा, ये भारत के पड़ोसी देश हो गए, सीमा की लंबाई हो गई और कुछ सीमाओं के नाम हो गए। चलिए हम देखते हैं इस चित्र में, वर्तमान समय में जो पैटर्न एग्जाम का है वह मैप से, कोई भी एग्जाम हो, एक दो प्रश्न मैप से जरूर पूछे जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि चीन के साथ या बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो मैं बोल रहा हूं, आप उसे नोट करिए, बांग्लादेश के साथ भारत के पांच राज्य सीमा बनाते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैं आपको मैप में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप देखिए ब्लू मार्कर से देखिएगा, हम दिखा रहे हैं,
ये हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल का सीमा, पश्चिम बंगाल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मेघालय की सीमा टच करती है बांग्लादेश से, यहाँ पे असम की सीमा टच कर रही है बांग्लादेश से, यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। त्रिपुरा से एक प्रश्न बनता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से विदेशी सीमाओं से घिरा है। तो त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो यह पांच राज्य हो गए जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्रम में चीन के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो उत्तर में देखेंगे तो चीन के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, कुल पांच राज्य। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं। अगला हम देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ कुल चार राज्य सीमा बनाते हैं। इसमें हम देखेंगे, देखिए उत्तर में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश है जो वह पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाती है। हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाती है, याद रखिएगा। यही सिर्फ मिस्टेक होता है, ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश होता है और उसे हम टिक करते हैं, लेकिन गलत। हिमाचल प्रदेश सीमा नहीं बनाती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये चार राज्य, ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर, यह चार राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। आगे हम देखते हैं नेपाल। तो नेपाल भारत के कुल पांच राज्यों के साथ सीमा बनाती है। देखिए कहां से, उत्तर में देखेंगे तो उत्तराखंड जो सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उसके बाद नीचे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पे देखिए ये टच कर रहा हुआ है पश्चिम बंगाल और यहां पे सिक्किम, मतलब एक दो तीन चार और पांच, कुल पांच राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। हम आगे देखते हैं इसी क्रम में, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो म्यांमार को देखेंगे, तो म्यांमार कुल चार राज्यों के साथ भारत से सीमा बनाती है। मतलब भारत के कुल चार राज्य म्यांमार से सटे हुए हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यह चार राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। हम देखते हैं भूटान, भूटान भी भारत के चार राज्यों से सीमा बनाती है। इसमें हम देखेंगे भूटान को तो एक सिक्किम हो गया, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये असम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये चार राज्य भूटान के साथ सीमा बना रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ केवल एक राज्य सीमा बनाती थी, वह था जम्मू कश्मीर। वर्तमान समय में कोई भी राज्य अफगानिस्तान से सीमा नहीं बना रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पे पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे पीओके बोलते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसलिए अफगानिस्तान के साथ भारत का कोई भी राज्य सीमा नहीं बनाता। जिस दिन भारत का जम्मू कश्मीर पे अधिकार होगा, उस दिन जम्मू कश्मीर इकलौता राज्य होगा जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाएगा। ये हो गए आपके भारत के पड़ोसी देश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित उत्तर प्रश्न। अब हम आगे देखते हैं भारत के राज्य, भारत के केंद्र शासित राज्य, उनसे महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान समय में भारत में कुल 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको मालूम होगा। 29वां राज्य देखिए यहाँ पे है तेलंगाना। हमने मैप में सभी राज्यों को दर्शाने का प्रयास किया है, अब अच्छा किया है बुरा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन सा राज्य किस राज्य सीमा बना रहा है, ठीक है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है जो 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। यह आंध्र प्रदेश से अलग होके 29वां राज्य बना। चलिए हम देखते हैं कुल राज्य कितने हैं। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे तो हम सिक्किम, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखी है, जगह नहीं था, सिक्किम। आगे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा, ऊपर हो गया महाराष्ट्र। तो ये भारत के कुल 29 राज्य हो गए, जिसे मैंने मानचित्र पे दर्शा दिया है। अब आप लोग एक काम करिए, सभी राज्यों की राजधानी याद कर लीजिए और सभी राज्यों की राजधानी का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
आपको यह याद होना चाहिए कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा बना रहा है। कोई भी एग्जाम होगा वर्तमान समय में, उसमें एक से दो प्रश्न मैप से जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा बनाता है। अभी कुछ दिन पहले हुए वीडियो एग्जाम में यह प्रश्न था कि अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल है, तो यह मैप से संबंधित प्रश्न था। तो आप मैप का बारीकी से अध्ययन कीजिए, चाहे जो प्रश्न हो, चाहे जैसा भी एग्जाम हो उसमें मैथ से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए हम चलते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटे राज्य, सबसे बड़े राज्य, यही क्रम आपका केंद्र शासित प्रदेश में भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं भारत के अगर सबसे बड़े राज्यों की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे बड़ा राज्य आपका जो है वह राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। 1 जून 2014 तक आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पे था, लेकिन जब से यह तेलंगाना अलग हुआ 2 जून को, मैंने कहा 1 जून तक ये चौथे स्थान पे था, लेकिन 2 जून से यह पांचवें स्थान पे हो गया, चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश हो गया। मैं यहाँ पे क्रम लिख दे रहा हूँ, आप उसे याद कर लिए और नोट्स में लिख लीजिए। पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे है अपना उत्तर प्रदेश। यह भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हो गए। पहले स्थान पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। यदि हम भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करें तो आपका उत्तर तो होगा सिक्किम, लेकिन यह गलत है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है, जिसकी राजधानी पणजी है। देखिए यहाँ पे भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या की बात करेंगे तब आपका यहाँ पे होगा सिक्किम, जो एक ऐसा राज्य है जो केवल एक राज्य की साथ सीमा बनाता है, वह है बांग्लादेश। अब आप मानचित्र में देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा एक राज्य और है जो केवल एक राज्य से सीमा बनाता है। जैसे सिक्किम पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, इसी प्रकार एक ऐसा राज्य और है जो भारत के केवल एक राज्य सीमा बनाता है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए ये भारत के बड़े राज्य हो गए। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा हो गया और जनसंख्या के अनुसार सिक्किम हो गया। अब आगे हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या 19,95,00,000 उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है और तीसरे स्थान पे बिहार। यह प्रश्न वीडियो 2011 में था कि बिहार किस स्थान पे है, जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य था, तो इसका आंसर था बिहार। ठीक, बिहार दूसरे पे नहीं है, बिहार तीसरे पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। ये हो गए आपके राज्य, 29 राज्य हो गए। केवल एक राज्य हो गया सिक्किम, जो केवल एक राज्य सीमा बनाता है, वह है पश्चिम बंगाल। एक राज्य आपको बताना है वो कौन सा है। अब हम देखते हैं भारत के केंद्र शासित राज्य। तो भारत के कुल 7 केंद्र शासित राज्य है। भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वह भी एक केंद्र शासित राज्य है, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसी के जस्ट थोड़ा ऊपर हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों का खुद ही राजधानी है, एक पंजाब का, एक हरियाणा का, एक खुद चंडीगढ़ का। ये हो गए आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली हो गया और एक चंडीगढ़ हो गया। नीचे आएंगे तो हम गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी दमन है। ठीक उसी के दक्षिण अरब सागर के कच्छ में दादर नागर हवेली है, जिसकी राजधानी सिलवासा है। ठीक है, नीचे आएंगे तो केरल के पश्चिम में लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी करवती है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक ऐसा द्वीप है जो मूंगा जीव प्रवाल से बना हुआ, प्रवाल की चट्टान से बना हुआ द्वीप है जो भारत का, हाँ अब देख लीजिए, जो ये लक्षद्वीप है यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में
अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये हो गए भारत के राज्य, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। अब एक प्रश्न और होता है, भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो अधिकतम देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो भारत के तीन राज्य ऐसे हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। पहला राज्य है जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। दूसरे स्थान पर सिक्किम है, यह भी तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, चीन, भूटान, नेपाल। सिक्किम चीन भूटान और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल जो राज्य है, यह भी तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। वर्तमान समय में प्रश्न होता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? यदि हम जनगणना 2001 के अनुसार देखें तो भारत में 593 जिले थे, जिले की बात मैं कर रहा हूं। अगर हम जनगणना 2001 के अनुसार देखें तो भारत में 593 जिले थे, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जिलों की संख्या 640 है, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या 700 से भी अधिक है। अब प्रश्न यहां पे यह बनता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मैं आपको बताता हूं कि भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वह गुजरात का कच्छ जिला। गुजरात का जो कच्छ जिला है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसे आप अपने नोट्स में नोट करिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। अब तुरंत इसके बाद एक प्रश्न बनेगा कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला पुडुचेरी। पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कुल 4 जिले हैं। तो वो चारों जिले अलग अलग राज्य में हैं। 2 जिले तमिलनाडु में हैं, 1 जिला आंध्र प्रदेश में है और 1 जिला केरल में है। जो जिला केरल में है उसका नाम माहे है। माहे ही भारत का सबसे छोटा जिला है। ये मैंने यहाँ पे इसको दर्शाया हुआ है, माहे, ये काला टिक है जहाँ पे है, ये माहे जिला है, ये पुडुचेरी का जिला है। फिर इधर आएंगे तमिलनाडु में तो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी और कराईकल, यह दोनों जिले तमिलनाडु में है। और आंध्र प्रदेश में यनम, पुडुचेरी का एक जिला यनम है जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये भारत के पड़ोसी देश, भारत के राज्य, केंद्र शासित राज्य संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य खत्म हो गए। भारत के परिचय का यह अंतिम लेसन था। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन, इसमें हम पर्वत, पठार, मैदान को पढ़ेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।